हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, किसानों के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने इस 5 साल में किया है उतना बीते 50 सालों में किसी ने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया है। आज देखिए हमारी किसान रैली जो निकाली जा रही है, हम अपने किसानों को अपनी योजनाओं को अवगत कराते हुए जो हमारी सरकार ने किसानों के लिए कार्य किए हैं और उन कार्यों को लेकर हम लोग जन जन तक जा रहे हैं और इस यात्रा से एक मैसेज देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए हमारे सरकार ने हमारे कुछ बिल आए थे जिसमें कुछ हमारे किसान भाई थे जो हमारे कहते हैं कि विपक्ष के जो उसमें नेता शामिल होकर जिस तरह से गतिविधियां कर रहे थे, लेकिन हमारी पार्टी ने बीच बीच में उनके साथ बैठने का पूरा प्रयास किया है, उनकी बात समझने का प्रयास किया है और निरंतर हम लोग उनके संपर्क में हैं। जो भी उनकी समस्या निकल के आती है हम लोग बैठने के लिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो बैठा है, निरंतर हम लोग संपर्क करके उनके साथ बैठ रहे हैं। लेकिन उनको बैठने से क्या है कि वो बैठते तो हैं लेकिन चीज़ों को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, जबकि हमारा जो बिल है बहुत अच्छा बिल है, हमारे किसानों के हित में हमारे प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया था और कई बार हम लोगों ने उनसे वार्ता भी की कि इस समस्या का किसी तरह से समाधान किया जाए, उनको समझाया जाए कि इस बिल से क्या फायदे होने वाले हैं हमारी जनता को, हमारे किसानों को, लेकिन वो नहीं इस बात को समझ पाए। प्रधानमंत्री जी ने अभी उस समय पहले पिछले हफ्ते बोला भी है इस चीज़ को और हमने वो बिल वापस भी लिए हैं और अभी एक दो समस्याएं लेके उन्होंने और विषय रखा है, उसमें भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कहना है अगर वो बैठना चाह रहे हैं तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो बैठने के लिए तैयार है और उनकी समस्याओं का जो उचित समाधान होगा उसका भी समाधान किया जाएगा।